नमस्कार माझ्या बंधूंनो आणि भगिनींनो, तर कसे आहात आपण? आशा करतो सगळे कुशल मंगल असाल. परंपरेत एकदा घेऊन आलेले आपल्या आवडीचा खेळ, ज्याचं नाव आहे आर्क सर्वाइवर इवॉल्व. सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोटेन डस के बारे में. ठीक है, तो जो पोटेन डस रहता है वो हम कहाँ से फार्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कहाँ से हम मतलब फार्म करेंगे, कैसे फार्म करेंगे, इस बारे में आज की वीडियो होने वाली है. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो. सो गाइज, पोटेंडस दो प्रकार मतलब दो तरीके से हम ला सकते हैं. एक तो एम्बर्स को क्रश करना पड़ता है, और दूसरी बात होती है कि जो हमें स्नेक प्लांट मिलते हैं, स्नेक सीड्स या फिर और सारे सीड्स होते हैं जो अलग अलग कलरफुल पौधे के रहते हैं, जैसे मेरे पास पहले से मौजूद है, उन्हें मैं दिखा दूँगा आपको. तो उनसे ही वो मतलब पौधों को लगाने पर हमें वो देता है, पोटेंडस भी देता है और साथ में सीड्स भी देता है. तो और तीसरी तरीका एक है जो एम्बर को क्रश करने का. तो एम्बर हम कहाँ से लाएंगे, तो अभी देख सकते हैं मेरे पास जीरो एम्बर है और यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं पौधे, अलग अलग सीड्स रहती खरीदना पड़ता है उन्हें एम्बर से. तो उसके लिए हमें ऐसे ड्रॉप रहते हैं जो उन ड्रॉप्स को लूटना पड़ता है. और कुछ एम्बर्स हमें जो ट्रिब्यूट मारते हैं, जब हम ट्रिब्यूट मारते हैं तब भी मिल जाते हैं. तो अभी हम झट से देखते हैं इसके इसमें हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो देखते हैं अभी हम ड्रॉप में मुझे कुछ मिलता है या नहीं. तो अगर मिल गए तो दो तीन ही मिलेंगे, नहीं इसमें तो कुछ नहीं मिला. तो अभी हम सीधे चलते हैं ग्रीन ऑब्लिक पर, और वहीं से हम सीधा जाएंगे स्नो वाली बायो में, स्नो वाली केव में, दोनों केव में जाएंगे. एक हार्ड वाली केव रहती है, उन दोनों उन्हीं दो केव्स में हमें मिल जाते हैं, मतलब एम्बर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो अभी मैं सीधा जाऊंगा ग्रीन ऑब्लिक पर और वहाँ से डेड होके वहीं पे स्पॉन हो जाऊंगा. तो अभी चलते हैं हम, क्योंकि अपने पास तो उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टेलीपोर्टर से भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं. ये रहा अपना टेलीपोर्टर, और यहाँ से हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे सीधा स्नो बायो में. तो चलते ग्रीन ऑब्लिक के पास चलते हैं फिलहाल, और यहीं से हम मतलब क्या कहते हैं अपने कैरेक्टर को मारेंगे और फिर स्पॉन हो जाएंगे वहीं पर. और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी वो मतलब क्या कहते हैं पौधे लगाए हुए मैंने, उसे वो वाले सेकेंड शायद मेरे पास कुछ होगा. अरे हाँ, मुझे ग्रेनेड चाहिए थे ना, तो सॉरी इसमें तो कुछ नहीं बचा. जो रंगी बिरंगी पौधे दिख रहे थे आपको, उन्हीं में मिलते हैं. तो अभी हम एक और ड्रॉप आया है, उसे लूट के देखते हैं शायद कुछ मिल जाए. ये मिला है, मारा जाता है चाहे, इसमें मिलना चाहिए था कुछ ना कुछ, तो मिला नहीं, तो इसमें भी नहीं मिला. अभी सीधा चलते हैं और मैं आपको सीधा मिलता हूँ, क्योंकि मुझे इसे कैरेक्टर को मुझे मरना भी पड़ेगा और सीधा स्पॉन होना पड़ेगा. तो झट से आर्टिफैक्ट लाके यहीं पे मिलता हूँ आपको, ठीक है? तो गाइज, मैं अभी दोनों आर्टिफैक्ट लेके आ चुका हूँ, तो अभी इसे ट्रिब्यूट करके देखते हैं, शायद हमें एक दो दो तीन एम्बर मिल जाए. इसका आवाज़ ज़्यादा होगा, कम करता हूँ एक मिनट. तो चलो शायद कुछ मिल जाए, इसमें नहीं मिले तो इसमें भी देखते हैं शायद मिल जाए, कुछ तो मिल जाए यार. वैसे 30-30 मिल जाते हैं, हाईली 30 मिल जाते हैं, तो पता नहीं अभी कितने मिलेंगे मुझे. तो लो मिल गए फिर से, कुछ तो मिला, रुको साइड में आते देखते हैं. तो लीजिए 5 एम्बर मिल गए, और मैं सोच रहा हूँ और कुछ इस कड़े तो कम है, तो मैं सोच रहा हूँ और थोड़े से एम्बर मतलब थोड़े से एम्बर्स को फार्म कर लूँ, जब एम्बर कलेक्ट कर लूँ तो फिर से मुझे एक बार मरना पड़ेगा, और उन हार्ड केव और स्नो वाली जो दोनों केव है उनमें से दोनों में जाना पड़ेगा और दोनों का आर्टिफैक्ट लाना पड़ेगा. तो मैं झट से फिर से जाता हूँ और लेके आता हूँ. तो हम वापस से आ चुके हैं, एक और बार मैंने वहाँ से आर्टिफैक्ट ले लिए. तो अभी हमें यहाँ पे ट्रिब्यूट करके देखना होगा, शायद से हमें कुछ तो मिल जाए, क्योंकि मेरे पास स्किन भी नहीं है. तो मैं सोच रहा हूँ एक कलरफुल स्किन ले खरीद लूँ. तो अभी देखते हैं इसमें कितने मिलेंगे हमें एम्बर. तो ऐसा है कि एक बार में ही मिलेंगे ऐसा नहीं है, शायद आपको दो तीन बार ट्राई करना पड़ेगा जिससे वो मिल जाए. लो हमें फिर से मिल गए, इस बार शायद से 5-15-10 मिल गए. तो इसमें भी देखते शायद मिल जाए. अच्छा चलो, इसमें भी नहीं है. तो अभी हम अपने मेन काम के लिए शुरू कर देते हैं. तो अभी अपने पास 15 तो है, बाद में देख लेंगे और हमें कितनी चाहिए. तो
और लेके आ गया हूँ। एक और बार ट्राई किया मैंने, अभी देखते हैं इसमें कुछ है। ये रहा एक और, मैं सोच रहा था कम से कम 30 एम्बर फार्म कर लो, लेकिन पता नहीं मिलेंगे या अभी नहीं पता, वो भी नहीं पता मुझे। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बात छोड़ दो, अभी सीधा चलते अपने कपड़े पहन लेता हूँ एक मिनट। तो अभी चालू होता अपना मेन काम, तो अभी देख सकते हो ये है अपनी वाली छोटी वाली, इसको क्या कहते हैं मुझे, हाँ मोटर पिस्टल। तो इसमें देख सकते हैं आप, एक एम्बर क्रश करेंगे तो हमें 2 पोटेंडस मिलेंगे, ये होता है इसका अंतर। और अभी दिखाता हूँ आपको, अंदर चलते, और ये है अपना इंडस्ट्रियल ग्राइंडर, इसे ऑन करते तो भी आप देख सकते हो मैं इसे एक एक ही करता हूँ, एक ही क्रश करता हूँ ये। चलो ग्राइंड करते, एक ही देता हूँ इसे, ये ग्राइंड शुरू। तो देख सकते हैं आप, तो एक एम्बर से ये हमें 6 पोटेंडस दे रहा है। तो ऐसे करके आप अगर 10 भी आपको एम्बर मिल जाए और अब इंडस्ट्रियल ग्राइंडर से उसे ग्राइंड कर दो, तो 10 एम्बर से इसका मतलब आपके पास 60 पोटेंडस हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना। और तीसरा तरीका ये होता है, जो अपने पास एक प्लांट है ना, जैसे स्नेक सीड्स रहती है, ये कलरफुल वाले भी आपको सीड्स अगर डेंजन में मिल जाए तो अच्छी बात है। देखो इसमें सीड्स भी मिलते हैं और साथ में पोटेंडस भी रहते हैं, तभी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसमें तो नहीं मिल रहा, शायद से अंदर होगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पहले, क्योंकि कहीं में नहीं होता है कहीं में नहीं होता है, तो देखना पड़ता है। इसमें नहीं है, चलो आगे वाले में, हाँ इसमें है, ये देख सकते हैं आप। तो इसे 1 पोटेंडस मिला, और ऐसे भी आपको कई सारे पोटेंडस मिल सकते हैं शायद से, अगर आपका मतलब, क्योंकि इसमें अभी पोटेंडस नहीं है क्योंकि इसमें ये फर्टिलाइज़र नहीं है, और फर्टिलाइज़र मुझे इसमें डालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तभी मुझे पोटेंडस मिलेगा भर भर के, मतलब काफ़ी समय, ऐसे समय भी लगेगा पोटेंडस देने के लिए। और आप सीड्स को ख़रीद भी सकते हैं बाद में, उसे ख़रीद लेना और ऐसे प्लांट्स लगवा लेना, तो उसे आपको आप जानते हैं उसे कहाँ मिलती है। देखो इसे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे, और यहाँ पे जाएंगे और सबसे नीचे देखिए स्नेक प्लांट सीड्स, ये 15 एम्बर में 2 दे रहा है। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप डेंजन में जा सकते हो, वहीं पे आपको सीड्स दे भी देता है, कई बार 3-3 5-5 सीड्स मिल जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।